अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं स्मॉल कलर्स के फैंसी ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ लाई हूं, जो कि स्मॉल बजट में रहकर बनाए गए हैं, ताकि आपको आइडिया हो। ये मैक्सी है, फुल लेंथ में है, कुंदन लेस लगाई गई है गोल्डन कलर की। इसके ऊपर जो है एक और लेयर भी है, पहले मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आप ऐसे देख लें कि इसके ऊपर हमने और क्या चीज़ रखी है। ये स्लीव्स हैं, इसकी शॉर्ट स्लीव्स हैं, फुल लेंथ मैक्सी है ये 12 ईयर गर्ल की। तो अब इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ, वो देख लें आप। ये देखेंगे, इसके ऊपर इस तरह की फैंसी केप बनाई गई है राउंडेड शेप में, खाड़ी नेट यूज़ की गई है और लेस की अटैचमेंट है नीचे। फुल लेंथ मैक्सी है और ये जो फैब्रिक है ये कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है, आपको 100 रुपीज़ पर यार्ड में मिल जाएगा और ये बहुत लो बजट में रह के बनाया गया है। इस तरह की जो चीज़ें आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, आप अपनी दर्जन से या किसी भी टेलर से कहकर बनवा सकते हैं। बिकॉज बच्चियां होती हैं तो उनके समटाइम्स हम ड्रेसेस जो हैं हमारी रेंज के में नहीं आते, तो हमें बनवाने पड़ते हैं। ये सेकंड ड्रेस है, ये वेलवेट की मैक्सी है। दोनों डिज़ाइन जो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ वो मैक्सीज हैं, लॉन्ग मैक्सी। ये भी वेलवेट की फुल लेंथ मैक्सी है, इसके ऊपर हमने ये फैंसी फैब्रिक से जैकेट बनवाई है। अंदर इसकी पाइपिंग है, शिमर शिमर के साथ की गई है और नेक पे जो है वेलवेट की इस तरह की पट्टी लगाई गई है, कॉलर पट्टी। ये शोल्डर है और फ्लेयर्स वाली स्लीव्स हैं, फुल फ्लेयर्स में, जो बच्चों की एज के हिसाब से जितनी आ सकती थी ये फुल फ्लेयर्स में है। और वेलवेट भी आपको मार्केट में इजीली 400 पर यार्ड से लेकर 1000 पर यार्ड में मिल जाती है, और वो आपकी अपनी रेंज होती है कि आपने कौन सी परचेज़ करनी है अपने बजट को सामने रखते हुए। बहुत हैवी बनी क्योंकि फुल लेंथ थी तो हैवी बनी, और नीचे हमने लेस जो अटैच की है वो प्योर गोल्ड कलर हमने यूज़ किया है जैकेट के डिज़ाइन को सामने रखते हुए, उसका कलर भी जैकेट का और ये लेस का भी। और ये भी मेरे ख्याल में 20 to 25 पर यार्ड में मिली थी। तो इस तरह की जो लो बजट स्कीमें होती हैं वो हमें कभी कभी अपना लेनी चाहिए, इससे हमारा बजट भी डाउन नहीं होता और अच्छी चीज़ रेडी हो जाती है। और ये विदाउट दुपट्टाज हैं क्योंकि फुल लेंथ है तो दुपट्टा नहीं इस पे कैरी किया जा सकता। अच्छा जी, ये है जैसे शरारा कह लें या लहंगा कह लें, थोड़ा कम उसकी है वेट उसमें, और इसके साथ हमने भी केप यूज़ की है। नीचे इसका जो अभी ब्लाउज़ है वो रेडी हो रहा था, लेकिन मैं वीडियोज़ बना रही थी तो मैंने कहा चलें इसको भी साथ ही हम दिखाए जाते हैं। जामा वर्क है, नीचे पेपलम टाइप है क्योंकि पेपलम जो होता है वो इतना खुला नहीं होता, उसकी वेट कम होती है। तो ये शार्ट ब्लाउज़ के साथ इस तरह की केप या दूसरी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं बच्चियों को। इसके साथ ये दुपट्टा है, मसूरी का दुपट्टा है, क्रश करवाया है हमने इसे और गोटा पट्टी वाली लेस अटैच की है इसके साथ। क्योंकि मार्केट में हम जब कभी एज वाइज अगर परचेज करने जाएं तो कभी हमारा बजट नहीं होता। ये देखें, ये दो हैं इस तरह की, एक को हमने उसके साथ यूज़ किया है मैक्सी के साथ और एक को हमने इसके साथ यूज़ किया है लहंगे लहंगा कह लें या पेपलम कह लें, उसके साथ यूज़ किया। तो मार्केट में जो होता है हमारा, हम जब कोई चीज़ परचेज़ करने लगते हैं बच्चियों की एज को देखते हुए, तो कभी हमारा बजट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है, और अगर बजट हो भी तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम अपनी बच्चियों को कैरी करवाना चाह रहे होते हैं।
तो इसलिए जो डिज़ाइनिंग के लिए हमें टेलर के पास भी जाना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ये बहुत ही लो बजट में रेडी होते हैं और एक अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है अगर आप उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाएं तो। अब लास्ट ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी इसी पेपलम के साथ है। ये देखिए, ये मेहंदी का ड्रेस है और इसमें हमने 3 कलर यूज़ करवाए हैं, डार्क पिंक, येलो एंड ग्रीन, ताकि वो जो मेहंदी के तीनों उसका टच होता है वो सारा है। शॉर्ट पेपलम है ये, फैंसी फैब्रिक यूज़ किया गया है इसमें। राउंडेड शेप में जैसे होते हैं पेपलम, ये उसी स्टाइल में है। नीचे इसकी तिल्ले की लगाई गई है आउटलाइन। स्लीव साफ़ हैं क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह बच्चियाँ पहनती हैं तो वो नज़र नहीं आती। क्वार्टर जैसे थर्ड क्वार्टर रखा गया है स्लीव्स को। ये इसका दुपट्टा है नेट का, और नेट के दुपट्टे पे भी वही अटैचमेंट करवाई है जो नीचे पेपलम की है, जमावार का जो पेपलम है, ताकि वो कम्बिनेशन जो है ये ट्रायो कलर का वो सारा इक्वल आए। इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बहुत आजकल इन हैं, किसी तरह से भी उनको कैरी किया जा सकता है। अब इसके साथ जो है मैजेंडा कलर का भी पेपलम यूज़ किया जा सकता था एज अ शर्ट। तो चलिए आइए, आप लोग पिक्स देखिए।